बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम लोग डील व्हील्स पर एक बिल्कुल ही मुनफरद किस्म का सेटअप लेकर आने शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, जो कि बाइक से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर आप लोगों को बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बाइक्स फॉर सेल इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि इस पूरे सेगमेंट को भी एक अच्छे तरीके से हम लोग चला सकें। 0 मीटर फॉर सेल सुजुकी के शोरूम पर आपको मिल सकता है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को शोरूम की लोकेशन के बारे में बताते हैं। तो ये मौजूद है, आप लोगों को हरिपुर शहर के अंदर मिलेगा, और बिल्कुल ये देखें आप, मेन GT रोड है, और ये सामने आप लोगों को इस शोरूम की एंट्रेंस नज़र आ रही है। तो ये असनफ दाल वाली साइड बनती है। तो इधर से आप लोग पनिया से जब आगे आएंगे हरिपुर की तरफ, तो आप लोगों को ये शोरूम अपने राइट हैंड पर नज़र आएगा। और अगर आप लोग एबटाबाद वाली साइड से आएंगे, तो आप लोगों को ये शोरूम बाईपास के बिल्कुल बाद जौन सा है अपनी लेफ्ट साइड पर नज़र आ जाएगा। सो बाइक के फ्रंट पर आ जाएं तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी लाइट नज़र आ रही होगी। तो आप लोग देख सकते हैं सिंगल हैलोजिन बल्ब बाइक के अंदर यूज़ किया गया है फ्रंट लाइट के लिए, और नीचे आप लोगों को पार्किंग लाइट भी एक नज़र आ रही होगी। सो व्यूअर्स, फ्रंट पे आ जाएं, सबसे पहले आप लोगों को इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर डुअल पिस्टन की फ्रंट ब्रेक मौजूद है, और इसी तरह अलॉय रिम्स बाइक के अंदर मौजूद है, और ट्यूबलेस टायर आता है, जिसकी डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 180/17 का इसके अंदर फ्रंट टायर दिया गया है। और इसके अलावा अगर शॉक्स की बात की जाए तो इन्वर्टेड शॉक्स बाइक के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से बैक टायर की अगर बात की जाए तो बैक टायर में भी आप लोगों को सिंगल पिस्टन की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। इसके अलावा अलॉय रिम बैक पर भी मौजूद है, और ट्यूबलेस टायर बाइक के अंदर दिया गया है। और इसी के अलावा अगर बात की जाए बाइक की टायर डायमेंशंस की, तो 140/60/17 का बैक टायर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रिप आपको देता है। तो ये थी इसकी ओवरऑल लाइट। इसके अलावा आप लोग इसकी फेयरिंग्स देख लें, तो बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स बाइक के ऊपर दिए गए हैं, और एक स्पोर्टी लुक दी गई है। इन्होंने लुक्स को कॉपी किया है सुजुकी जिक्सर से, मैं तो यही कहूँगा। और इसी तरह से अगर बात की जाए इसकी मेन हर्ट की इंजन की, तो 150cc का इसके अंदर इंजन आता है सिंगल सिलेंडर का, और EFI है, कार्बोरेटर बेस नहीं है, लेकिन एयर कूल्ड इंजन है, और 5-speed रिटर्न शिफ्ट के साथ आता है। और इसी के साथ साथ अगर बाइक के टैंक की बात की जाए तो स्पोर्टी लुक के साथ मौजूद है। ये साइड पर इसके प्लास्टिक दिया गया है दोनों साइड पर, और 12 लीटर तक इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी मौजूद है। और इसी तरह से अगर बात करें इसकी असेंबलीज की, स्विच असेंबलीज की, तो सबसे पहले आप लोगों को लेफ्ट साइड पर ले चलूँ, तो इसके अंदर आप लोगों को हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर लेफ्ट राइट, और हॉर्न की, और इसके अलावा यहाँ पर एक डिपर है उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरह राइट साइड की असेंबली पर आ जाए, कल स्विच आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पार्किंग लाइट ऑन करने का ऑप्शन और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग इसका मीटर देख सकें तो बहुत ही खूबसूरत मीटर बाइक के अंदर मौजूद है, सारी इंफॉर्मेशन बाइक के लिए प्रोवाइड करता है। और अभी हम लोग इसको आप लोगों को डिजिटली ऑन करके नहीं बता सकते, क्योंकि बाइक के अंदर बैटरी मौजूद नहीं है। इसी तरह से बाइक की बैक की अगर बात की जाए तो आप लोग बैक ब्रेक लाइट देख लें, LED में दी गई है, और एक बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की डिज़ाइन है बैक लाइट का। इसी तरह से आप लोग बैक मड गार्ड की कंडीशन देख लें, क्वालिटी देख लें, बहुत ही अच्छा है, हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। साइड इंडिकेटर्स आप लोग देख लें तो बड़े फ्लेक्सीबल से हैं। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक लाइट देख सकते हैं जो कि नंबर प्लेट के लिए दी गई है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी और क्वालिटी वाली बाइक है। बैक पर आप लोग देख सकते हैं तो मोनोशॉक बाइक के अंदर मौजूद है। फुटरेस्ट की बात की जाए तो फुटरेस्ट भी अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, रिट्रैक्टेबल फुटरेस्ट है, फ्रंट वाला भी और पिलियन वाला दोनों। सो व्यूअर्स, ये था कंप्लीट रिव्यू सुजुकी जिक्सर 150 का। उम्मीद करता हूँ मैंने जो जो बातें मुझे पता थी इस बाइक के बारे में वो सारी आपके साथ शेयर की हैं। सो व्यूअर्स, इस बाइक के लिए शोरूम सुजुकी शोरूम वाले डिमांड कर रहे हैं जी 5,49,000, 5.5 लाख रुपए आप लोग लगा लें इस बाइक का। तो
बिल्कुल फिक्स प्राइस होती है, और मैंने आप लोगों को इनवाइस प्राइस बाइक की बताई है 5.5 लाख रुपए। तो इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में लेनी हो, तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। हरिपुर के अंदर ये शोरूम मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली बार किसी और नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने और अपने गिरदन के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।